बार मैं ठान लेता हूँ ना, एक बार मेरे को समझ में आ गई कि बहुत बढ़िया है, तो मेरे को कोई रोकने वाला नहीं है। और मेरा थोड़ा सा दबंग का स्टाइल है, थोड़ा सा मैं अभी तुम कुछ बोलोगे तो मैं सुनूंगा नहीं, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ, मैं एक बार कमिटमेंट करता हूँ तो इनका नहीं सुनता हूँ। अब तू किस खेत का मूली है ना, जो बीवी से नहीं डरता है तू मेरे को क्या डराओगे? तुमको करना है तो बस आ जा, मैं तुमको मदद करूंगा, नहीं करना है ज्यादा भाषणबाजी नहीं, ज्यादा एडवाइस नहीं, क्योंकि मैं सारे चीज पढ़ चुका हूँ। तो ये मेरा आदत है, ये मेरा ठानी है ना, क्योंकि मेरे को अगर होता है ना, जो पीठा बनाते हैं, पीठा इडली का जो रॉ मटेरियल होता है, उसको क्या करते हैं आप, जितना उसको करोगे ना उतना फूलेगा वो। तुम अगर मेरे को जितना दबाओगे मैं उतना ऊपर उठूंगा, तो इसलिए दबाना नहीं, क्योंकि बेकार जाएगा तुम्हारा बात, बेकार जाएगा, क्योंकि तुमको पता है कि मैं दबने वाला में से नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक बार ठान ले लिया हूँ, एक बार मैं कमिटमेंट कर लिया हूँ, बस ये जो मेरा अंदर जो चीज है, क्योंकि मेरे को पता है कि थोड़ा बहुत ये सब नहीं आएगा। तो रामचंद्र जी से कैसा कैसा कहा था, बोले और अभिषेक होने वाला है और कखी आके बोलती कि उसको वनवास भेजो, हुआ है सबको पता है, लेकिन वो बोले कि ये मेरा अगर लिखा हुआ है मेरे को जाना है, ना कोई गम है ना कोई खुशी है। लेकिन जब वहां से लौटे 14 साल के बाद, रामचंद्र जी से क्या बन गए, वो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने के लिए ये सारे चीज दबना तो पड़ता है, ये धैर्य थोड़ा सा रखना पड़ेगा, ये अगर नहीं करेंगे तो आप वही क्या वही राम बन के रह जाओगे। मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाला नहीं हो, या तो डायमंड नहीं बन सकते, सिंपल बात है। यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम कौन है, जो डायमंड है या ऑफ है, ये सारे लोगों को पता हो गया है। अगर ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए थोड़ा सा तो करना पड़ेगा, लेकिन जो बोलता है उसके हिसाब से नहीं चलना होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो चैलेंज आया मेरे को, जो सिचुएशन आया, ये जो जैसे बता रहे थे, मैं कहीं बाहर हूँ, मेरा बिजनेस बिल्ड करने के लिए गया हुआ हूँ, और यहाँ पे इतना घटना घट गई, घर में बड़े भाई घर में भी नहीं है, दोनों मेरा भाभी और ये दोनों है, तो खबर आया तब तो हॉस्पिटल जा चुके थे। तो वहां पे एक नामी दामी मंदिर था, मैं वो लड़का को बैठाया, मेरे साथ जो जिसके साथ काम कर रहा था, सीधा मंदिर गया, खबर मिल गया कि चीज अंडर कंट्रोल, हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। मंदिर के पास मेरा आंखों से आंसू निकला, मैं बोला हे माँ, तेरा बेटा का मैं यहाँ ख्याल रख रहा हूँ, तुम मेरा माँ का वहां ख्याल रख, और मेरे जाते जाते कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ बढ़िया रहना चाहिए। मेरा वो दम था कि मैं जो चीज में काम कर रहा हूँ, सारे ऊपर वाले हमको देख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली मेरे को मदद करेंगे ही करेंगे, मेरा चीज में जो मैं काम करता हूँ। यहाँ पे जैसे बात हुआ कि दूसरा उनको जो हार्ट अटैक आया, आईसीयू में 17 दिन, हम वहां जाते थे, केयर लेते थे, सब कुछ करते थे, बिजनेस बना रहे थे, सब कुछ चल रहा था, क्योंकि हमेशा बोला करते थे ज्यादा पूजा पाठ में नहीं करता हूँ, फिर भी एक चीज को तो मानता हूँ कि कोई ना कोई तो कंट्रोल कर ही रहा है, और वो कंट्रोलर को मैं बोलता हूँ कि मैं जो मिशन में लगा हूँ उसमें सारे दुनिया में कई लोगों का लाइफ बदलने वाला है, तू देख रहा है, मेरे माँ को कुछ होने वाला नहीं चाहिए। अब मैं बोला जब तक मैं डायमंड बन जाता हूँ तब तक तुमको अच्छे होके घर वापस आना ही है, मेरे साथ मेरा लोग है, मेरे साथ मेरा दुनिया है, मेरे साथ मेरा भगवान है, मैं उन्हीं को भरोसा करके चलता रहता था, क्योंकि कुछ होने वाला नहीं है, सब कुछ बढ़िया रहेगा, क्योंकि मैं